दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ब्रेदर प्रिंट के लिए। तो हमारे पास ये ब्रेदर की मशीन है, फोटोकॉपी वाली। इसके मॉडल में आपको दिखा देना चाहता हूँ। देखिए, DCP L253 ये मॉडल है। ये देखिए DCP L2531 DW का मॉडल है ब्रेदर का। तो इसके में एक एरर आती है, उस एरर के बारे में बहुत बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, प्रवीण डांडा बन आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा। देखिए, रिप्लेस टोनर जो एरर है, इसको कैसे सोल्व करेंगे। काफ़ी बार कार्टेज रिफिल करवाते ही ये एरर आती है। हर एक प्रिंटर में लगभग यही एरर आती है, क्योंकि अगर टोनर ब्लैंक हो जाता है, पहले खाली हो चुका होता है, तो उसको ये एरर शो करवाता है। अगर दूसरे टोनर हम रिफिल करवाते हैं, उसके बाद भी ये एरर आ जाती है। उसके सोल्यूशन के लिए वीडियो बनाया गया है। इसे अपनी कार्टेज को आराम से निकालिएगा। अब वो कार्टेज को ध्यान से निकालना है। इसके अंदर काफ़ी सारे सेंसर्स होते हैं। अगर एक सेंसर भी आपका नाकाम हुआ या टूट गया, तो आपका पूरा प्रिंटर ख़राब होने के लायक रह जाएगा। ये देखिए, जो साइड में दो चार पेच लगे होते हैं, प्रेस स्क्रू ड्राइवर से उनको आराम से खोलना है। उसके बाद जो आगे की कार्रवाई होगी, वो की जाएगी। देखिए, मैंने इस कार्टेज को निकाल लिया है। उसके बाद देखिए, जिसको मैं छू रहा हूँ, ये वाइट वाइट कलर का रोलर, इसको निकालना हमें बाहर की तरफ। उसके लिए हमें इसके अंदर दो नट लगे होते हैं, एक ये वाला और एक और इसके साथ होता है। इनको खोल लेना है। खोलना हमें बहुत ही आराम से है। देखिए, जैसे ये नट है, इसको खोल लेना है, और एक साइड में जो नट है उसको भी खोल लेते हैं। अगर आपका एक स्प्रिंग भी टूट जाता है, तो पूरी कार्टेज आपकी वेस्ट है। उसके लिए आपको मैं समझा देना चाहता हूँ कि इसको बहुत ही आराम से खोलें, ताकि आपको नई कार्टेज खरीदने की नौबत ना आए। देखिए, बाहर निकल चुका है। तो इसको धीरे से पीछे की तरफ खिसकाएंगे, तो ये निकल जाएगा अंदर की तरफ से। हाँ, ये देखिए, ये निकल चुका है। अब हम इस कार्टेज को साइड में रखते हुए, ये जो रोलर है, इसको उठा के दूसरी तरफ पलट देंगे। ये देखिए, घूम रहा है। ये रोलर को उठा के और स्प्रिंग के दूसरी साइड, ये एक सेंसर का वर्क करता है। जब हमारी कार्टेज खाली हो जाती है, तो इसको ये स्प्रिंग से दूसरी साइड पहुंचा देता है, ताकि हमें पता लग सके कि हमारी टोनर जो इंक है, वो ख़त्म हो चुकी है कार्टेज की। इसीलिए ये होता है। तो दोस्तों, इसको पलट के डाल देंगे अपनी कार्टेज को, आपकी कार्टेज ओके हो चुकेगी। तो ऐसे ही कुछ वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहें, और मैं सुनने को ज़रूर जरूर सब्सक्राइब कर लें। जो साथ में बेल आइकन आता है, उस बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपका कोई भी अपडेट मिस ना हो। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।